आप अभी तक घर नहीं गई? जा ही रही थी बस, वो सोचने लग गई पता नहीं मिस्टर कपूर अब कैसे होंगे, तो उसी सोच में रुके। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अभी देख कर आए। हाँ एक्चुअली तुम्हें कुछ बताना था सौम्या, वैसे मैंने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया है लेकिन तुम यहाँ हो तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। मिस्टर कपूर को ना पेंसिलिन से सीवियर एलर्जी है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, मतलब ध्यान रखना थोड़ा। डॉक्टर ने चार्ट में लिखा है पापा इज इन सेफ हैंड्स, डोंट वरी। एक्चुअली वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा इतना अच्छा हॉस्पिटल है, बेस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, लेकिन मिस्टर कपूर ना वो किसी की सुनते नहीं है ना, थोड़ी सी तबीयत ठीक होती नहीं है कि बेड से उतर कर चलने फिरने लगते हैं, घर जाने की जिद करने लगते हैं। आई एम श्योर अब उन्हें बेड रेस्ट बोला है लेकिन वो बेड रेस्ट करेंगे नहीं, तो उन्हें ना थोड़ा स्ट्रिक्टली हैंडल करना पड़ेगा तुम्हें। देखो वो किसी की बात सुनते नहीं है, इसलिए अगर थोड़ी सी भी अपनी मनमानी करने की जिद करें ना तो तुम मुझे फ़ोन कर देना चुपके से। आई नो वो मैं उनसे कुछ कहूँगी तो मुझे डांटेंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे, बट सुन लेंगे मेरी बात, तो जस्ट गिव मी अ कॉल। ओके पता है प्रिया भाभी, आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पापा ने मुझे आपके बारे में बताया था। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आपको पापा की इतनी फिक्र है। एंड यू स्टिल रिमेम्बर सो मच, दैट मेक्स यू अ ग्रेट वाइफ। एंड डोंट वरी भाभी, मैं आपके हस्बैंड का पूरा ख्याल रखूंगी अच्छी तरह से। अब आप घर जाइए, अगर कुछ भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। यू नीड्स यू टू। हाँ चलती हूँ मैं, कुछ भी हो ना फोन कर देना बस, एंड बी स्ट्रिक्ट विद हिम। ओके श्योरली, बाय बाय। अरे रजत मैं तुम्हें ही फोन लगा रही थी, तुमने उठाया क्यों नहीं? सब ठीक तो है? राम कैसा है? वो ठीक है दाईजा, घर चला क्या है? It's all good. और तुम कैसे हो रजत? मैंने आज लाइन क्रॉस कर दी दाईजा, मैंने आज वो बोल दिया जो मुझे बोलना नहीं था, बड़ी गलती कर दी। मैं अपनी दिल की बात किसी को नहीं बताना चाहता, पता नहीं कैसे हो क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं सका, क्यों ये बात मेरी जुबान पे आ गई, क्यों मैंने प्रिया को कह दिया कि मैं उससे प्यार करते हो, यही ना? हाँ ताईजा, कैसे मैंने प्रिया को कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, सबके साथ राम के साथ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी पूजा राम की प्रिया, आप जानती हैं। I've made peace with the fact कि मैं प्रिया को अपनी दिल की बात कभी नहीं बताऊंगा, मैं बस उसका अच्छा दोस्त बनना चाहता था ताकि किसी तरह मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन पाऊं। थैंक्स टू आवर फ्रेंडशिप वो भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। मुझे जब लगा उसे कुछ हो जाएगा, उसका उसे गोली मार देगी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, पता नहीं कैसे कह दिया उसे मैंने कि मैं उससे प्यार करता हूं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था दाईजा, आप बोल दिया तो अब सब खत्म हो गया। तो तुम इस बात से परेशान क्यों नहीं रोक पाया अपने आप को दाईजा? मैं क्यों नहीं रोक पाया? अरे अगर प्रिया को पता चल गया रजत तो क्या हुआ? तुमने जब प्रिया से प्यार किया तो तुम्हें ये नहीं मालूम था कि वो राम की वाइफ है, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला तुम पीछे हट गए, बल्कि उस दिन
पार्टी में उसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। You don't have to feel guilty about it, Rajat. In fact, you should be proud of yourself. कि तुम प्यार कर सकते हो और निभा भी सकते हो। लेकिन उसे मेरी मोहब्बत नहीं चाहिए दाईजान। आज हॉस्पिटल में उसने मुझे देख के भी अनदेखा कर दिया। She didn't even look at me. मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। और दाईजान उसकी बेरुखी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक भले ही उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार नहीं देखा, उसकी बातों में मुझे हमेशा एक अच्छा दोस्त मिला। आई थिंक ऑफ लूजिंग अ फ्रेंड, थिंक ऑफ नॉट लूज अ फ्रेंड। आई शुड हैव सेड रिलैक्स रजत। आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। रजत, प्रिया के दिमाग में इस वक्त कितने इश्यूज होंगे, उसकी स्टेट ऑफ माइंड का अंदाजा तुम और मैं बिल्कुल नहीं लगा सकते बेटा। और ये मत भूलो कि अनुष्का सरकार की गोली का निशाना प्रिया थी। मैं मानती हूँ तुमने और राम ने अपनी जान पर खेल कर उसे बचाने की पूरी कोशिश की बेटा, लेकिन उसके स्ट्रेस का तो अंदाज लगाओ। एक तरफ पियो की कस्टडी और दूसरी तरफ पार्टी में इस तरह ये हादसा, राम पे गोली चलना, उसका हॉस्पिटल जाना। रजत वो इतनी परेशानी में है इसीलिए उसने तुमसे बात नहीं की होगी। Try and understand her. She's your friend. Go and talk to her. I'm sure वो तुमसे बात करेगी. Everything will be all right, Rajat. Don't worry. लेकिन दाईजा जो बात मैं बोल चुका हूँ उसे मैं वापस तो ले नहीं सकता। अगर उसे awkward feel हो रहा है या बुरा लग रहा है, how do I make her feel better? I'm lost. I know you can't change that, Rajat. But don't worry. I'm sure everything will be all right, Peter. I hope so, Daija. I really hope so. Sab theek hoga, Peter. I thought so. कि तुम यही कर रही होगी। तुम फिर से मेरे कमरे में बिना नॉक किए आ गई। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का। मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि भप्पा के घर आने की कुछ तुम तैयारियां कर रही हो या नहीं। राम को डिस्चार्ज मिल गया? ओ, तुम्हें ये भी नहीं पता? He's on his way. तुम्हें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया? So sad. मिसेज आयशा राम कपूर को ये भी नहीं पता कि मिस्टर राम कपूर घर आ रहे। तुम्हें किसने इन्फॉर्म किया? जो सही मायने में मिसेज राम कपूर है, प्रिया भाभी। मुझे बताया क्यों नहीं कि राम डिस्चार्ज हो रहे हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि राम डिस्चार्ज हो रहे हैं? मामा जी, मैं यहां पर चिल्ला रही हूं और आप म्यूजिक सुन रहे हैं? वो क्या हो गया? हो गई ना अपसेट? और मैंने तेरी एक बात नहीं सुनी तो तुझे बुरा लग गया? और जो तू मेरे साथ सेम टू सेम करती है उसका क्या? वो इतने दिनों से तुझे समझा रहा हूँ पर तेरे तो कानों में जू नहीं रेंगती। वो मैंने तेरे से कितनी बार कहा कि तू राम को ऐवें ही मत ले, पर तू तो सुनना नहीं चाहती ना। और जब तुझे अपनी शादी, अपने भविष्य और अपने पति के बारे में नहीं पड़ी है तो मैंने क्या अंब लेने? इसका मतलब अब आप भी मुझे छोड़ जाएंगे मेरे हाल पर? ओह काश मैं ऐसा कर सकता। मजबूरी ये है कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसकी चमचागिरी करने के अलावा। क्या कहा आपने? वो कुछ नहीं, वो जो हो गया उसे भूल गया। तू फुल त्रिया चरित्र दिखा डाल। कल परसों कोर्ट में ये कस्टडी वाला मामला आने वाला है। वे राम इस टाइम प्रिया को लेके बहुत इमोशनल हो सकता है।
और ये मत भूल कि जब प्रिया की लाइफ डेंजर में थी तो राम ने अपनी लाइफ डेंजर में डाल के प्रिया की लाइफ बचाई। वो बड़ा तगड़ा इमोशन होता है ये, किसी के लिए अपनी जान पे खेल जाना। वे इस टाइम अगर राम कमजोर हो गया ना तो तेरे हाथों में ये नेल पॉलिश रह जानी है बस। और तू तो भगवान जी से ये मना कि राम पीयू को हासिल करने का अपना इरादा नहीं छोड़े, क्योंकि तेरे पास यही तरीका है राम को हासिल करने का, पकड़े रहने का। अरे बेटा आ गई तू, आप मिले भाई से कैसे? वो इज यू ऑल राइट? हाँ पहले से बेटर है, लेकिन डॉक्टर ने अभी बेड रेस्ट कहा है। बेटा आ गई तू, कितनी थकी हुई लग रही है। अब थकी तो होगी ना, कुछ खाया भी नहीं होगा तूने। मैं तेरे लिए पानी लेकर, पानी नहीं मैं तेरे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, एनर्जी तो आएगी ना। हा? अरे नींबू पानी क्यों, मैं तेरे लिए अदरक की चाय बना के लाती हूँ, सारी थकान हट जाएगी। माँ माँ मेरी बात सुनो। अरे तू खड़ी क्यों है, बैठ ना। मैं ठीक हूँ माँ। अरे ठीक कैसे है तू, चेहरा देखा है तूने अपना? तू है ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती है। देखिए ना कितनी टेंस लग रही है वो। बेटा प्रिया तू टेंशन छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। वैसे बेटा मिस्टर राम तो ठीक है ना? हाँ माँ वो ठीक है, एंड आई एम श्योर वो बहुत जल्दी घर आ जाएंगे एकदम ठीक होकर। पति पापा की कृपा है। अब प्रिया बेटा तू आज रात को यहीं रुक जा, मैं तेरा बेड लगा देती हूँ, और हाँ इससे पहले मैं तेरा खाना लगा देती हूँ, तू खाना खा ले ठीक है? माँ सुनो ना, माँ माँ मेरी बात सुनो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है माँ प्लीज। अरे तुझे भूख कैसे नहीं है, जब भी तू टेंस होती है ना प्रिया तेरी भूख मर जाती है, बचपन में भी तू ऐसे ही किया करती थी, बिल्कुल नहीं बदली है। अरे अरे हाँ बचपन से मुझे याद आया, प्रिया तूने पीहू को मेरे बारे में कुछ बताया है क्या, कि जब तू बीमार पड़ती थी तो मैं तेरे लिए काढ़ा बना के तुझे पिलाती थी? ऑफ कोर्स माँ, कैसे भूल सकती हूँ, सब याद है मुझे। तुझे सब याद है, चलो अच्छा है, मैं तेरी कुछ तो काम आई। तुम कैसी बातें कर रही हो माँ, अरे तुम नहीं होते तो मैं ही नहीं होती ना। और अगर आज तू नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। वो, मैं किन बातों में उलझ गई? अच्छा तू खाना खा ले, मैं तेरा बेड लगा लेती हूँ। देखा बेटा ये तेरी माँ का प्यार जताने का अपना ही तरीका है, अपने ही अंदाज में तुझे सॉरी भी बोल गई और
थैंक्स भी कह गए। आई नो पापा, अच्छी तरह से जानती हूँ माँ को। पापा, आपने पीहू को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं बेटे। है कहाँ वो? सो गई है क्या? नहीं, वो अपने कमरे में है, ड्राइंग कर रही है। मैं पीहू को लेकर आती हूँ। प्रिया, तू ठीक है ना बेटा? हाँ पापा, मैं तो ठीक हूँ, बस मिस्टर कपूर की चिंता हो रही है। ना मामा आज एक पार्टी में गई थी, उस पार्टी में ना आपके पापा भी आए थे, लेकिन पापा को ना पार्टी में थोड़ी सी चोट लग गई। तुम फिर से हॉस्पिटल नहीं गए ना? एक्चुअली पापा हॉस्पिटल में ही हैं बेबी, मामा पापा के पास ही थी। मामा तो चलो ना, हम लोग उनसे मिलने जाते हैं। जाएंगे ना, लेकिन अभी कैसे जा सकते हैं? अभी तो इतनी रात हो गई, पापा को चोट लगी है ना, तो उनको डॉक्टर ने दवाई दी है, वो सो गए हैं। हम ना उनसे मिलने कल सुबह जाए। हाँ, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो अब नानी ने खाना लगाया हुआ है ना, जल्दी से खाना खाते हैं, फिर हम भी सो जाते हैं, ताकि सुबह उठ के फ्रेश उठ के पापा के पास जाएंगे, है ना? आपको यहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं करना नेक्स्ट 24 आवर्स, वरना विक्रम मेरी क्लास लगा दे। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, रिलैक्स। अब आप बातें कम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आई थिंक अब राम को आराम की जरूरत है, वी शुड लीव। पापा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं ला दूंगी। मैं हूं ना सौम्या, डोंट वरी, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। अब आप भी सो जाइए राम, ओके? वैसे भी आपको तो ठीक होना ही है। आई मीन दो तीन दिन में पीहू की कस्टडी की डेट है, राइट? और आपको पीहू के लिए ठीक होना पड़ेगा, उसे घर जो लाना है ना? ओके, गुड नाइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.